जो ये पाइलिंग मशीन है इसने अभी जो है 35 मीटर तक गड्ढा कर दिया है। इसमें हमको 47-48 मीटर की रिक्वायरमेंट है, तो ये अगले जो है 2 घंटे में जो है कंप्लीट खुदाई कर देगी, और साथ ही जो है इसके बाद केसिंग होगी, और केसिंग के बाद फिर जो है हॉरिजॉन्टल अप्रोच करेंगे, तो उसमें जो समय लगेगा उसके लिए बाकी सब टीम लगी हुई है और लगातार काम जारी है। बच्चे की स्थिति का भी हम नहीं कह सकते, जो जिस हिसाब से दिखाई दे रहा है, तो बाकी आप लोग देख लीजिए सब वहाँ पे जो डिस्प्ले में है। पूरा रेस्क्यू कब तक होने का है? कोशिश करेंगे कि जो है आज ये रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल हो गया कुछ, पर प्रयास जारी है। आपकी जानकारी में है कि पता लगते ही प्रशासन यहाँ पहुँच गया, गाँव के लोग भी पहुँच गए, और यहाँ पहले JCP फिर LNT और एक फायरिंग मशीन लाई गई है जो दरा से आई है, दूसरी भीलवाड़ा से आ रही है। इनको यहाँ तक लाने के लिए भी स्पेशल वाहन की आवश्यकता होती है, और मेरे को बताया गया है कि अरूदा से यहाँ तक आने में 3 घंटे लग गए, इसलिए उसको इंस्टॉल करेंगे अब। और 1 मीटर की नज़दीकी से जो ओपन बोर है वहाँ पर ये ड्रिल करेगी, और बिल्कुल शॉर्टेस्ट टाइम में हम ऐसा कहा जा रहा है कि 2-3 घंटे में वो टारगेट पर पहुँच जाएगी। आपने जिला कलेक्टर से भी बात की घटनास्थल पे? मैं सुबह से ही इनके संपर्क में था, आज मैं सुबह ही आता लेकिन इसलिए नहीं आ पाया कि जो राइजिंग राजस्थान का समिट है उसमें आप एग्रीकल्चर पर भी इन्वेस्टर्स आए हुए थे, वहाँ का कार्यक्रम खत्म होते मैं आया हूँ, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कार्यकर्ता और हमारे लोग और जगमोहन लाल जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, पूरा प्रशासन यहाँ पर है। अभी कलेक्टर साहब से बात हुई है, एक जो टेक्निक है लोकल टेक्निक जो गांव वाले करते हैं उसमें NDRF SDRF के लोग भी मिलकर कोशिश ये कर रहे हैं कि वहाँ तक एक हाथ तो बच्चे के उसमें आ गया, और कोशिश करेंगे उस टेक्निक से वो बाहर आ जाए, नहीं तो फिर वो जो मशीन आई है वो लगेंगे। जिले में लगातार ये बढ़ रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में सर्वत्र राजस्थान में और पूरे देश में ये घटनाएं कई जगह होती हैं, लोग बोर करते हैं ओपन छोड़ देते हैं और जानमाल लोग गंवा देते हैं। इस पर डायरेक्शंस तो हैं सरकार के लेकिन कोई कानून नहीं है। मैं इस हादसे के बाद ये महसूस करता हूँ इस पर कोई न कोई कानून बनना चाहिए, कम से कम ऐसा तो बनना चाहिए कि जो बोर वेल कर दे वो उसको ढक दे या उसको ध्वस्त कर दे।